हाय गाइस, मेरा नाम है ध्रुव सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप विचर 3 को अपने पीसी और लैपटॉप के लिए हाईली कंप्रेस्ड 1 GB में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने 35 पार्ट्स अपलोड करे हैं इस गेम के, आपको सारे डाउनलोड करने हैं। और जो 35 वाला पार्ट है वो है 550 MB का, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी मतलब ये पार्ट्स डाउनलोड करेंगे उसे एक ही फोल्डर में रखिएगा और रीनेम मत करिएगा किसी भी पार्ट को। अगर बाय चांस पार्ट रीनेम गलत हो जाता है, मतलब सभी पार्ट्स एक जैसे होने चाहिए और उनका जो नेम है वो सेम होना चाहिए, और गेम में कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया है मैंने, और इतने दिनों तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। क्योंकि यार मैं बीमार था और मैं गेम के पार्ट भी अपलोड कर रहा था, जिस वजह से मेरा नेट ख़त्म हो जाता था बार बार, लेकिन अब सब ठीक है। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं गेम को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है और प्ले कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा जो भी आप मतलब यूज़ करते हैं, और उसमें सर्च करना होगा मेरी वेबसाइट, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगर आप सर्च मारना चाहें तो सर्च भी मार दीजिएगा dhruvgaming.blogspot.in। फिर उस पर आप जैसे ही सर्च मार लेंगे और सर्च मार दीजिए, उसके बाद एंटर सर्च मतलब एंटर कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपको मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मेरी वेबसाइट तो देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। मैं आपको पूरा इंटरफेस दिखा देता हूँ अभी मेरी वेबसाइट का। तो गाइस, मैं इतने दिनों से वेबसाइट भी बना रहा था ताकि मैं आप लोगों को गेम भी प्रोवाइड कर सकूँ, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो। फिर यहाँ पे मैंने सर्च बार भी दिया है, यहाँ पे जाइए और सर्च बार में सर्च मार दीजिए Witcher 3, और यहाँ पे Witcher 3 सर्च मार दीजिए, और विनरार की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाके उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे सर्च मार दीजिए, सर्च मारने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा विचर 3 का, उस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ मतलब वेबसाइट दिख जाएगी ओपन, फिर ये पेज आएगा, पेज पे नीचे थोड़ा सा जाना है आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाइए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल दिए हैं, गेम के स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद नीचे सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे रिकमेंडेड सिस्टम भी है, और कैसे इंस्टॉल करना है वो सारा मैंने यहाँ पे डाउनलोड मतलब पेस्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पे जो नीचे आपको डाउनलोड का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड के बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ये मेगा पे ओपन होगा। मेगा पे मैं गाइस इसलिए अपलोड किया है मैंने क्योंकि स्पीड अच्छी मिल गई थी, लेकिन आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ गूगल ड्राइव पे ही अपलोड करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और इसके बाद मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं 1 GB के, यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स हैं, आपको सारे डाउनलोड करने हैं पार्ट्स। 35 पार्ट्स आप देख सकते होंगे, 201 MB का है, और यहाँ पे सारे पार्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपको राइट क्लिक करना है और डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, स्टैंडर्ड डाउनलोड या डाउनलोड एज जिप, आपको डाउनलोड एज जिप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको गेम डाउनलोड हो जाएंगे सारे। फिर उसके बाद आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने गेम को डाउनलोड किया है, फिर उस फोल्डर को खोल लीजिए जहाँ पे आपके पार्ट्स डाउनलोड हैं। फिर उसके बाद ये देख सकते हो कि हमारे पार्ट्स यहाँ पे डाउनलोडेड है। फिर यहाँ पे इस पर मतलब डबल क्लिक कीजिए जो आपका सेटअप है, सेटअप पे डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेटअप ओपन होगा विचर 3 का, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा आपको, देख सकते होंगे इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक होने के बाद ये लोडिंग होगी और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका जो गेम का आइकन है वो आपको डेस्कटॉप पर बन जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना गेम को प्ले कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और तो गाइस, इस वीडियो के बाद मैं एक बहुत अच्छा गेम लेके आने वाला हूँ, तो यार लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने डेस्कटॉप पर चले जाना है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको अपना गेम का शॉर्टकट दिखाई दे जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे क्लोज कीजिए और यहाँ पे आपको देख सकते होंगे अपना गेम का आइकन यहाँ पे बन चुका है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने गेम को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपका गेम प्ले हो जाएगा। देख सकते हो कि हमारा गेम जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक तो कर ही देना और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना इस वीडियो को। एम करते हैं 125 लाइक्स की, इतना तो कर ही दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
जहाँ भी तुझे देखे दूरियाँ जहाँ भी